जो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 से और क्वेश्चन नंबर 8, ये मिस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आएंगे, सर जो क्लास 7th का चैप्टर 5 है उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, उनकी आप वीडियो बना दें। तो मैं उनकी एक वीडियो बना रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। और मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें लिए हैं, इनकी काफ़ी पॉसिबिलिटी बन जाती है कि ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। थोड़े से होते तो इजी हैं, लेकिन थोड़े से कन्फ्यूजन करने वाले क्वेश्चन होते हैं ये। आइए करना शुरू करते हैं। मैं हूं हरी सर और आप सभी बच्चे देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाएं। और जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उनके लिए अलग से चैनल है जिसका नाम है मैथ्स विद हरी सर, आप उसे भी देख सकते हैं, वो स्पेशल हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। आइए करना शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या कहता है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल विच इज कम्प्लीमेंट ऑफ इट सेल्फ, यानी एक ऐसा एंगल हमें फाइंड आउट करना है जो अपने कम्प्लीमेंट के इक्वल ही है, ठीक है, स्वयं का कम्प्लीमेंट है। तो बच्चों देखो, कम्प्लीमेंट एंगल होता है 90 डिग्री, और 90 अगर किन्हीं टू एंगल का सम 90 डिग्री आता है तो वो कम्प्लीमेंट बन जाते हैं। और इसमें कहा है कि दो वो क्या है, इक्वल है आपस में, यानी स्वयं का इक्वल है, ठीक है। तो 45 और 45 ये होगा, तो आप इससे ओरली भी आंसर दे सकते हैं, 45 आएगा। अगर आप करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं, लेट फर्स्ट एंगल, ठीक है, लेट फर्स्ट एंगल यहां पर इक्वल टू एक्स डिग्री। अब इसमें लिखा है देखो, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल विच इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ, जो कॉम्प्लीमेंट का इट सेल्फ का कम्प्लीमेंट है, ठीक है, यानी एंगल एक्स है तो इसका कम्प्लीमेंट भी क्या होगा, मान लीजिए वो एक्स ही होगा, ये मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर सेकंड एंगल भी क्या होगा, एक्स होगा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेकंड एंगल भी क्या होगा, एक्स डिग्री का होगा। और अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है तो इसका मतलब कम्प्लीमेंट बन रहे हैं भाई, कम्प्लीमेंट है तो दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना। अगर दोनों का सम 90 डिग्री है, क्योंकि इसमें कहा है कि एक एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल विच इज, उस एंगल की मेजर फाइंड आउट करो जो इज इज द कम्प्लीमेंट ऑफ इट सेल्फ, ठीक है, इट यानी स्वयं का कम्प्लीमेंट है, एंगल है तो, यानी एक्स है तो उसका स्वयं का एंगल क्या होगा, एक्स डिग्री ही होगा। तो अगर इन दोनों को प्लस करें तो 90 डिग्री आता है, तो 1x और 1x 2x, तो इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 से डिवाइड किया ये आ गया 45 डिग्री, तो ये आपका आंसर निकल गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कहता है, टू कंप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशो ऑफ 4:5, फाइंड द एंगल्स, रेशो गिवन है अब इसमें, तो आपको क्या करना है, दूसरे तरीके से करना है। देखो हम क्या करेंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है बच्चों, कितना होता है, 90 होता है, तो उस कम्प्लीमेंट्री एंगल के जो सम होता है उसको ना इस जो रेशो दिया हुआ है इसके सम से डिवाइड कर दो, यानी 4+5, 4+5 कितना होता है 9, तो 9 से इसको डिवाइड कर दो आप, 10 डिग्री आ जाएगा, एक वैल्यू निकल कर आ गई। अब पूछा फाइंड द एंगल्स, एंगल फाइंड आउट करने, तो फर्स्ट एंगल, तो फर्स्ट एंगल क्या होगा, जो रेशो गिवन है उस रेशो को लिख लिए और जो वैल्यू निकल कर आई है उससे उसको डिवाइड कर, सॉरी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 40 डिग्री आ गया। सेकंड एंगल, सेकंड एंगल क्या होगा, रेशो को लिखा, सेकंड रेशो को लिखा और वैल्यू से जो निकल कर आई उससे मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, तो 10 5 जा होता है 50 डिग्री, तो बच्चों ये आपके एंगल आ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 क्या कहता है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज सप्लीमेंट्री ऑफ इटसेल्फ, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है ऐसे ही बिल्कुल सेम है, सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट यानी किन्हीं टू एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। अगर एक एंगल एक्स डिग्री का तो उसका इटसेल्फ क्या होगा, एक्स ही होगा, और इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, तो 2x इक्वल 180 डिग्री, 2 से 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 0 की 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 98 डिग्री आ गई, तो वो एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है, हो गया ये भी। क्वेश्चन नंबर 6, टू सप्लीमेंट्री एंगल डिफर बाय 34, फाइंड द एंगल्स, एंगल फाइंड आउट करने। अब इसमें क्या करना है बच्चों, इसमें एक काम करना है, लेट द फर्स्ट एंगल, लेट द फर्स्ट एंगल, इसमें ये काम करना, आप इस फर्स्ट को एक्स मान लो और सेकंड जो एंगल है उसको क्या मान लो, वाई डिग्री मान लो, ठीक है, और सप्लीमेंट है ना,
भाई किन्हीं टू एंगल का सम क्या होना चाहिए, सप्लीमेंट है तो किन्हीं टू एंगल का सम होना चाहिए 180 डिग्री, लेकिन क्वेश्चन कहता है टू सप्लीमेंट्री एंगल डिफर बाय 34। सप्लीमेंट्री एंगल तो है ये एक्स और वाई, लेकिन इनका डिफर, डिफर का मतलब डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस क्या आता है 34 आता है। तो इस तरीके से आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो ये माइनस है, ये प्लस, सॉरी ये माइनस प्लस माइनस हो गए, ये 1x और 1x 2x हो गए, इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। 10 में से 4, क्योंकि अब ये सॉरी 10 में से 4 नहीं, यानी 4 इनको ऐड करेंगे, ये तो देखो प्लस माइनस माइनस हो गए। अगर यहाँ पर नंबर सेम होते, साइन भी सेम होते, तब हम माइनस का साइन लगा के इसको साइन चेंज करके तब इसको करना था, ठीक है। ये आप सीखेंगे 9th और 10th क्लास में। तो अभी क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड का यूज करना। तो 1x और 1x 2x हो गया, अब इन दोनों को भी प्लस कर दीजिए, तो 4 और 8 और 3 होता है 11 और 1 और 1 2, इस तरीके से। तो x की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है ना, पहले x की निकालेंगे फिर y की निकालेंगे। तो x इक्वल 214 और 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आकर ये डिवाइड में आ गया, 2 से इसको डिवाइड कर दे, 2 1 2 0 की 0 2 7 14, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 107 डिग्री आ गई। तो एक तो एंगल है 107 डिग्री का, यहां पर मैं लिख देता हूं फर्स्ट एंगल 107 डिग्री का आ गया। सेकंड एंगल, सेकंड एंगल के लिए यानी आप इस वैल्यू को, x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, यानी x प्लस y लिखा ना, तो y की जगह y की वैल्यू पुट कर देते हैं और इक्वल 180 डिग्री। अब बच्चों x की वैल्यू निकाल लें, तो 180 डिग्री, ये 107 इधर प्लस में इक्वल के साइन से लेके आओ राइट साइड में, तो ये माइनस का हो जाएगा और माइनस कर दो इसमें से, 10 में से 7 माइनस करें 3, ठीक है। यहाँ पे रह गया 7, 7 का 7 आ जाएगा, 73 आ गया बच्चों, ठीक है, 1 में से 1। तो ये सेकंड एंगल आ जाएगा आपका, सेकंड एंगल आ गया 73 डिग्री का। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर ये आपके मेंटल मैथ में क्वेश्चन नंबर 7 ही है, मैंने वही नंबर लिए हैं जो आपके मेंटल मैथ में है, ठीक है। देखो क्या कहता है, एन एंगल इज 4 times इट्स कंप्लीमेंट, ठीक है। कोई एंगल है उसके कंप्लीमेंट का एक एंगल 4 times है, फाइंड देम एंगल्स, बिल्कुल लीजिए। अगर एक एक्स है तो दूसरा क्या होगा, 4x होगा, दोनों को सम प्लस कर दें, यानी दोनों को प्लस कर दें तो 90 डिग्री आता है। मैंने आपको बताया है कि किन्हीं टू एंगल का सम अगर 90 डिग्री आ रहा है तो दैट मीन्स दीज एंगल आर कंप्लीमेंट। तो एक एंगल एक्स का है तो दूसरा क्या है, 4 times है 4x, तो फाइंड द एंगल, एंगल फाइंड आउट करने, 4x और 1x 5x इक्वल टू 90, 5 से 5 बन जा 5 और ये 18 पे कट जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू आ गई कितनी, 18 डिग्री आ गई, कितनी आ गई 18 डिग्री। एक एंगल तो 18 डिग्री का है, यानी यहाँ पर अगर मैं लिखूँ फर्स्ट एंगल तो है 18 डिग्री का, और सेकंड एंगल अगर आपको सेकंड एंगल भी निकालना है तो सेकंड एंगल होगा 4 times है ना, तो 4 into 18, 18 4 72, ये आ गया बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखो, इफ द कंप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 28, ठीक है, फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल, उस जो एंगल आएगा उसका सप्लीमेंट्री एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। इफ द कंप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 28, अगर एक 28 का, मान लो एक एक्स का है और दूसरा एंगल 28 का है, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, कंप्लीमेंट है ना 90 डिग्री। अब बच्चों देखो, ये इधर प्लस में है, इधर आकर ये माइनस में आ जाएगा, तो इसको माइनस कर लेते हैं, 10 में से 8 माइनस किया 2, यहाँ पे रह गया 8, 8 में से 2 माइनस करेंगे 6, ठीक है, ये आ गया, समझ में आ गया, 62 डिग्री आ गया। अब ये क्या है, अब ये जो 62 डिग्री आया इसका सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है। अगर सप्लीमेंट्री, मान लीजिए सप्लीमेंट्री का फर्स्ट एंगल वाई डिग्री का है और ये एक 62 डिग्री का है सेकंड एंगल, इसका सप्लीमेंट्री फाइंड आउट करना है ना, सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री। तो y की वैल्यू निकाल लो 180 डिग्री, अब 62 इधर प्लस में, इधर आकर ये माइनस में आ जाएगा, आइए माइनस कर लेते हैं, तो 10 में से 2 माइनस किया 8, ठीक है, यहाँ पे रह गया 7, 7 में से 6 माइनस किया 1, तो 118 आ गया बच्चों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है ये, एन एंगल इज इक्वल 28 times इट्स सप्लीमेंट, ठीक है, इक्वल है, यानी एक एंगल x का है तो दूसरा आप ये मान लो 8x का है, बस सिंपल सी बात है।
और इन दोनों का सम सप्लीमेंट है तो 180 आना चाहिए। 8x और 1x 9x हो गया, 9x इक्वल 180, ठीक है। अब 9 से डिवाइड कर देते, 9 1 9 9 2 18, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 20 डिग्री आ गई। और 8 टाइम्स, ये तो फर्स्ट एंगल आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट एंगल 20 डिग्री, ये आपका आंसर नहीं है, सेकंड है, जो 8 टाइम्स है ना वो एंगल हमें निकालना है, सेकंड एंगल। तो सेकंड एंगल है 8 टाइम्स यानी 8x, और x की वैल्यू क्या है 20, तो 28 जाए 160 डिग्री, तो ये आपका आंसर आ गया बच्चों। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, और इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाना है, प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी रैंक लाने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन थैंक यू।